अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं गुताहा। गाइस, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ने कहा था कि आप लोग जो है दादी हाउस विजिट करें, जो कि कराची का सबसे मशहूर घर है, और वहाँ पे हर किस्म के जो है जानवर आते हैं, और महंगे से महंगे, अच्छी से अच्छी नस्ल के, और खास तौर पे मोहसिन नायाब किस्म के जितने भी जानवर हैं सारे वो चुन चुन कर नायाब किस्म के लेके आते हैं, जैसे वाइट ऊंट हो गया, याक हो गया, और छोटी नस्ल की जो गाय होती है इनको कोडू कहते हैं, जिनको कोडू कहते हैं, जहाँ पे आम जबान में कोडू कहा, छोटी नस्ल की जो गाय होती है वो। उसके अलावा याक तो खैर बहुत ज्यादा ही वो रेयर है, याक तो बहुत से कोई एक या दो घरों में आता है, एक घर में सबसे पहले जो नाम आता है वो दादी हाउस, बिल्कुल दादी हाउस का नाम आता है। और उसके अलावा भी काफी सारे नायाब किस्म के जानवर आते हैं, तो हमारे काफी सारे दोस्तों ने कहा था कि वहाँ पे विजिट करें, काफी लोग देखना चाह रहे थे, तो हमने बोला ठीक है वहाँ पे एक वीडियो बनाते हैं हम लोग, और आज हमारा वहाँ जाने का इरादा है, वहाँ जाने का प्रोग्राम है। और आपको ये बता दें कि दादी हाउस के जो ऑनर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग गाइस। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे दादी हाउस पहुँच चुके हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश है, अच्छा खासा, ये देखिए अच्छा खासा है, अच्छा खासा रश है यहाँ पे। असल में ये जो पूरे कराची की सबसे मशहूर जगह है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। अच्छा, इन्होंने पूरा एक पार्क के अंदर जो है सेटअप किया हुआ है, टेंट लगाए हुए हैं यहाँ पे, इनकी अपनी सिक्योरिटी वगैरह है, और चलने की भी जगह नहीं है, चलने की भी जगह नहीं है, रश हो रही है। तो आइए चलिए हम लोग, देखिए आप लोग यहाँ के पास है, ये आप देख सकते हैं सब बैठा हुआ है, और इसके लिए पूरा एसी वगैरह का सेटअप किया हुआ है, ये गार्ड बिठाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, और इसके पूरे अतराफ में ये देख सकते हैं आप प्लास्टिक की रैपिंग की हुई है, ताकि इसको एक ठंडा एनवायरनमेंट दिया जा सके। ये देखिए, और यार गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा एक फर्स्ट फ्रेंड दबीर, ये हमें एक मिला है यहाँ दादी हाउस में, ये हमारा फैन है, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, ये देखिए दादी हाउस की ये और कुछ गाय हैं, ये ऑस्ट्रेलियन है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं हर नस्ल के एक एक जानवर है, वो सबसे आखिर में जो है एक सिद्धू खड़ा हो, वो एक सबसे आखिर में। और अभी हम उधर भी जाएंगे, आप पीछे देख सकते हैं हमारे, ये दो हमारे सामने लड़ रहे हैं। और एक जैसे देख सकते हैं आप लोग, इन्होंने अपना जानवर निकाला है नुमाइश के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग, ये दादी हाउस का एक चांद बैल है, और काफ़ी बड़ा है ये, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हर नस्ल का एक एक जानवर मौजूद है यहाँ पे, टाइगर, ये टाइगर नस्ल का, ये हमने मंडी में भी नहीं, टाइगर नस्ल नहीं, ये हमने मंडी में भी देखा था, ये वही वाला है, ये दादी हाउस में आया, दादी हाउस में आया है, देख सकते हैं आप इनके ऊपर दादी हाउस के टैग लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो है अच्छी खासी आवाम आती है हर साल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश है। हर साल ये इसी तरह के जो है सेटअप करते हैं, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एक मंडी लगी हुई है, हर नस्ल का जो है यहाँ पे एक जानवर मौजूद है। ये देखिए इसकी सींगें देखिए कितनी बड़ी है, और लेट गाइस ये देख सकते हैं ये बैठे हुए हैं बाबा जी, इन्होंने बताया कि इनके पास दादी हाउस में जितने भी जानवर होते हैं ये ज़्यादातर जो लोग खुद पालते हैं, ज़्यादातर खुद ही पालते हैं जानवर, और ये वाला जानवर जो काफ़ी बिधक रहा है, ये सिद्धि खाना खा लो। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये दादी हाउस से ऑस्ट्रेलियन है सिर्फ एक, और बाकी ये जानवर सब में कुछ ये ऑस्ट्रेलियन जो है काफ़ी खूबसूरत है, और इनका कहना है कि ये लोग खुद पालते हैं हर साल, यहाँ पे इन्होंने नेम प्लेट्स लगाई हुई है हर जानवर के ऊपर, ये देख सकते हैं आप, ये दादी हाउस के बकरे हैं, और काफ़ी अच्छी नस्ल के बकरे हैं ये,
इसमें कुछ कामोरी नस्ल के भी हैं, गुलाबी नस्ल के भी हैं, वो एक कॉर्नर में जो एक मक्खी जो है, और ये भी तकरीबन ये हर नस्ल के जो है बकरे बैठे हैं। अच्छा, ये इन्होंने साइड पे एक पोर्शन बनाया हुआ है, इसके अंदर दुम्बे हैं, उसके आगे आप देख सकते हैं वो दूसरे बकरे जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे हर साल ये इसी तरह सेटअप करते हैं जैसे एक मंडी का सेटअप है, हालांकि ये कुर्बानी के जानवर हैं सब, लेकिन ये एक मंडी का समय जो है पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ऑलराइट गाइस, देख सकते हैं आप लोग ये दुम्बा है इनके पास। जी सिंह देख सकते हैं आप, घूमे भी है। ऑल एड गाय से देख सकते हैं आप लोग, ये पहाड़ी बकरा है दादी हाउस का, दादी हाउस का ये पहाड़ी बकरा है, और काफ़ी सारे बकरे यहाँ पर हैं। एक ये बकरा बैठा हुआ है, इसका कलर भी काफ़ी यूनिक है। दादी हाउस का एक ऊँट है सफ़ेद ऊँट, और इसी के साथ एक बहुत अच्छी नस्ल का एक ऊँट बैठा हुआ है दूसरा, ये भी काफ़ी हेल्दी और बड़ा ऊँट है। ये देखिए ये ग्राउंड कैमल बैठा हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छे कैमल है यहाँ पे, बहुत अच्छे ऊँट है। ये देखिए ये दादी हाउस का एक ग्राउंड कैमल है, और ये इसके दो कज़न, ये बहुत अच्छी नस्ल का कैमल है, और ये अक्सर जो है रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, ये आम कैमल से डिफरेंट है। ये देखिए ये है इसके साथ, और काफ़ी काफ़ी हेल्दी है। लट गाय से देख सकते हैं आप लोग, ये भैंसा है बस, ये देखो बस दादी हाउस का, ये सर बहुत करीब खड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी, और हेल्थ भी बहुत अच्छी है। ये देख सकते हैं आप ऊँट बैठा हुआ, ये नॉर्मल ऊँट है, और इसके आगे जो है वो वाइट ऊँट है, इसकी वीडियो आपको दिखाई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत बहुत आवाम आई हुई है यहाँ पे, हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिली कि वीडियो हम बना सकें, मगर इस रश की वजह आज चली मौसम हमने, क्योंकि हम लोग काफ़ी सालों से सुन रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे जानवर आते हैं, मगर रश देखा तो उसके बाद जब जानवर देखे हमने तो पता चला हाँ यार रश की वजह बनती है, रश जो है वो बनता है, बनती है यहाँ पे जो जानवर है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है उनकी, काफ़ी वैल्यू है। काफ़ी सारे ऐसे जानवर थे जो हमने मंडी में, एक दो जानवर थे टाइगर हो गया वो हमने मंडी में भी देखा था, और वो मंडी से लोग यहाँ पे मतलब खरीद कर लेकर आए हैं दादी हाउस वाले, फिर वाइट ऊट हो गया, और खास तौर पे याक और भैंसा जो है इनका, ये जो है थोड़ी यूनिक चीज़ थी जो हमने देखने को मिली, जो हमें मंडी में देखने को नहीं मिलती, याक और भैंसा। अच्छा एक चीज़ नोट करने वाली है, इनके पास जितने भी कुर्बानी के जानवर हैं जो कि हलाल हैं, जो बकरे पे यूज़ किए जाते हैं बिल्कुल, वो सब यहाँ पे मौजूद है, और हर नस्ल के मौजूद है, हमने आपको जो जो गायें दिखाई उसमें हर नस्ल इंक्लूडेड है। ऊँट भी जो है दो तरह के ऊँट जो है, एक तो सिंगल हम्प वाला और एक डबल हम्प वाला, दो हम्प वाला जो कि नॉर्मली जो है यहाँ पे नहीं पाए जाते, ये थोड़े से नायाब होते हैं ज़्यादातर, इनके पास नायाब किस्म के जानवर, यही वजह है कि यहाँ पे रश ज़्यादा है, क्योंकि लोग भी जाते हैं नायाब चीज़ देखना, और इसलिए हम लोगों ने भी प्लान करा था कि वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ताकि हम लोग जितने भी नायाब चीज़ें हैं वो दिखा सके अपने व्यूअर्स को। ऑलराइट गाइस, हमारा आखिर में ये जो मैसेज है आप लोगों को ये है कि
पिछली की वीडियोज जो थी हमारी उनका काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, आगे की वीडियोस के भी हम लोग चाहते हैं कि वैसे ही रिस्पांस हो। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और रेड कलर का बटन बना हुआ उसको सब्सक्राइब करें। बटन के अलावा बराबर में उसकी बेल बनी हुई होगी, उसको भी क्लिक कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो वो आप लोग मिस नहीं कर पाए, सारी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ताकि तो गाइज आप लोग हमारा फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हुआ है, आप लोग हमें फॉलो करें।